सनसनी ऑफ इंडिया। सरिता विहार थाना पुलिस ने लुटेरों के एक ऐसे गैंग को दबोचा है जो मात्र अपनी ड्रग्स की लत को पूरा करने के लिए डकैती, चोरी व स्नैचिंग जैसी संगीन वारदातों को अंजाम देता था। गिरफ्तार लुटेरों की पहचान 23 वर्षीय विशाल मंडल, 22 वर्षीय बादल उर्फ बंटी व 22 वर्षीय बिट्टू के रूप में हुई है। सभी आरोपी संजय कॉलोनी दिल्ली के रहने वाले हैं। इनके पास से चोरी की 2 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी, 2 मोबाइल फोन, 1 बाली व 1 बटन वाला चाकू बरामद हुआ है। दक्षिण पूर्व जिले की DCP ऐशा पांडे ने बताया कि दिनांक 21 अप्रैल को थाना सरिता विहार में डकैती को लेकर एक PCR कॉल आई थी। कॉल का तुरंत जवाब देते हुए टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंची टीम को पता चला कि घायल महिला को कुछ स्थानीय लोग एम्स के ट्रॉमा सेंटर लेकर चले गए हैं। तुरंत पुलिसकर्मी घायल महिला की स्थिति व बयान दर्ज करने के लिए एम्स अस्पताल पहुंचे। घायल महिला ने जांच टीम को बताया कि मैं अपने घर जा रही थी और जब मैं सरिता विहार अंडरपास के पास पहुंची तो 3 लड़के मोटरसाइकिल पर पीछे से आए और मुझे घेर लिया। आरोपियों ने बटन से चलने वाला चाकू दिखाकर सब कुछ देने की धमकी दी। जब मैंने इसका विरोध किया तो एक आरोपी ने चाकू निकालकर मुझे चाकू मार दिया और मेरा मोबाइल फोन, 1 बाली और नकद 6000 रुपए लूट लिए। पीड़िता के बयान पर थाना सरिता विहार थाना पुलिस ने FIR संख्या 253/2022 धारा 394, 397, 34 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। लुटेरों को जल्द से जल्द दबोचने के लिए दक्षिण पूर्व जिले की DCP ऐशा पांडे ने ऑपरेशन संरक्षण के तहत ACP सरिता विहार की सुपरविजन व राकेश कुमार शर्मा SHO सरिता विहार के नेतृत्व में SI परवीन, मोहित, कांस्टेबल मनोज, अजय और अरुण की एक टीम का गठन किया। जांच टीम ने सबसे पहले क्राइम सीन की एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर लगे CCTV फुटेज को खंगाला। अंधेरा होने की वजह से आरोपियों की पहचान नहीं हो पा रही थी। राकेश कुमार शर्मा SHO सरिता विहार ने हिम्मत नहीं हारी और टेक्निकल टीम की मदद से CCTV फुटेज से मिली आरोपियों की धुंधली फोटो को क्लियर करने की कोशिश की। टीम की मेहनत रंग लाई। टेक्निकल टीम 3 आरोपियों में से 1 आरोपी की फोटो को जूम व क्लियर करने में सफल रही। टीम के पास अब 3 आरोपियों में से 1 आरोपी की फोटो तो थी लेकिन आरोपी की पहचान नहीं थी। आरोपी की पहचान के लिए राकेश कुमार शर्मा SHO सरिता विहार ने आरोपी का फोटो सोशल मीडिया के साथ साथ मुखबिरों के बीच फैला दिया। जांच टीम ने सरिता विहार के आसपास इलाकों में आरोपी की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछताछ की। फोटो की मदद से जांच टीम आरोपी के पते संजय कॉलोनी तक पहुंच गई। आरोपी की पहचान विशाल मंडल पुत्र रासू मंडल के रूप में हुई। पता चला कि आरोपी पिछले कई दिनों से अपने घर पर नहीं आया है। जांच टीम को आरोपी के घर से आरोपी का मोबाइल नंबर मिल गया। टीम ने तुरंत मोबाइल सर्विलांस पर लगा दिया गया। आरोपी का मोबाइल जसोला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास एक्टिव मिला। जांच टीम ने मोबाइल की पिन पॉइंट लोकेशन पर छापेमारी कर आरोपी को दबोच लिया। पूछताछ करने पर आरोपी की पहचान 23 वर्षीय विशाल मंडल पुत्र रासू मंडल निवासी संजय कॉलोनी के रूप में हुई। पूछताछ के दौरान विशाल मंडल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। विशाल मंडल की निशानदेही पर वारदात में शामिल उसके 2 सहयोगी 22 वर्षीय बादल उर्फ बंटी पुत्र मोहनलाल निवासी संजय कॉलोनी और 22 वर्षीय बिट्टू पुत्र शशभूषण निवासी संजय कॉलोनी को भी उनके आवास से गिरफ्तार किया गया। कड़ी पूछताछ में तीनों आरोपियों के पास से चोरी की 2 मोटरसाइकिल, 1 चोरी की स्कूटी, 2 मोबाइल फोन, 1 कान की बाली और 1 बटन वाला चाकू बरामद किया गया। सिपनेट की जांच के बाद बरामद मोबाइल फोन में से 1 थाना सरिता विहार इलाके से चोरी हुआ मिला। आगे की जांच के दौरान 1 मोटरसाइकिल थाना गोविंदपुरी और 1 स्कूटी थाना अमर कॉलोनी क्षेत्र से चोरी हुई मिली। इनकी गिरफ्तारी के साथ ही सभी बरामद सामान को जब्त कर लिया गया है। मामले की आगे की जांच जारी है। गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि उन्हें ड्रग्स की लत है और कोई काम धंधा न होने के कारण अपनी ड्रग्स की लत को पूरा करने के लिए डकैती, चोरी व स्नैचिंग जैसी वारदातों को अंजाम देते थे। 23 वर्षीय आरोपी विशाल मंडल पुत्र रासू मंडल निवासी संजय कॉलोनी ने 5वीं तक पाई की है। आजीविका कमाने के लिए उसके पास कोई काम नहीं है। वह पहले NDPS एक्ट के एक मामले में शामिल था। दूसरा आरोपी 22 वर्षीय बादल उर्फ बंटी पुत्र मोहनलाल निवासी संजय कॉलोनी ने 8वीं तक पढ़ाई की है। आजीविका कमाने के लिए इसके पास करने के लिए कुछ नहीं है। यह पहले सेंधमारी के एक मामले में शामिल है। तीसरा आरोपी 22 वर्षीय बिट्टू पुत्र शशभूषण निवासी संजय कॉलोनी ने भी 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। आजीविका कमाने के लिए उसके पास कोई काम नहीं है। यह पहले लूट के एक मामले में शामिल है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस।
और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश, देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी, बस लॉगिन करें www.vijaynews.in।